में स्वागत है। सुरुकड़ी धादिंग में बस दुर्घटना भेला सा मृत्यु भेल के संख्या 19 पहुंचल संबंधी प्रसंग सा धादिंग के लफांग फेदी में बस दुर्घटना भेला सा मृत्यु भेल के संख्या 19 पहुंचल है। जिला प्रहरी कार्यालय धादिंग देने पिछला जानकारी अनुसार 19 गोटे के शव भेटल है। एक गोटे घायल महिला के इलाजक क्रम में काठमांडू शिक्षण अस्पताल में मृत्यु भेल है। दुर्घटना में घायल भेल 14 गोटे के हेलीकॉप्टर में काठमांडू पठाओल गेल है। ओ सभक शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में इलाज भ रहल है। घटना स्थल पहुँच कर आयल नेपाली कांग्रेस धादिंगक सभापति रमेश धमलाक अनुसार लगभग 1000 गोटे उद्धार में खटल गेल है। घटना स्थल कात के प्रहरी चौकी से पहुँचल प्रहरी आ स्थानीय बासिंदा उद्धार कर रहल है। धादिंग बेसी से किंतांग फेदिक लेल छूटल 23X3318 नंबर के बस मारपाक के लाफांग फेदी गाविश में दुर्घटना भेल है। सरकार दल की प्रभावित के उपलब्ध कराने रकम ल कर घर आबि रहल 50 गोटे से बेसी यात्रु लदने अनुमान कयल गेल है। जनकपुर में 21 बुंदे घोषणा पत्र जारी करत दलित महिला संघक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भेल है। संघक केंद्रीय कार्यालय के आयोजना में भेल मधेशी दलित महिलाक सवाल चुनौती आ संभावना विषयक 2 दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी में प्रदेश नंबर 2 के 8 जिलाक मधेशी दलित महिला आ अधिकार कर्मी सभक सहभागिता छल। गोष्ठी में मधेशी दलित महिला सभक अवस्था समस्या चुनौती सब जका विषय में परामर्श कयल गेल छल। मधेशको दलित महिलाहरूलाई मात्रै जम्मा गरेर हामी चाहिँ छलफल चलाउनु पर्यो। खास चाहिँ के रहेछ त समस्या, त्यसलाई कसरी पहिचान गर्ने र त्यसलाई कसरी उठाउने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। संघक केन्द्रीय अध्यक्ष कला स्वर्ण कार के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि सांसद कमला विश्वकर्मा अपने संसद के सदस्य के हैसियत मधेशक दलित महिला के समस्या आ चुनौती बुझ के लेल मधेश आयल बतौलन। ती कुरालाई मैले अहिले जुन संविधानमा समेटेका कुरालाई संरक्षण गर्दै कानुन बनाउने कुरामा मैले जिम्मेवारी लिएर मैले ती कुराहरूलाई त्यहाँ समावेश गर्नेछु। गोष्ठीमा रजिन बक्छाड, तमलोपा धनसाक अध्यक्ष परमेश्वर शाह, सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त शाह, महिला बाल विकास कार्यालयक प्रमुख मीरा मिश्र, महिला अधिकार कर्मी पूनम चौधरी, पत्रकार कैलाश दास सहितक मधेशी दलित महिला सभक पीड़ा के विषय में प्रश्न कियने छल। कांग्रेसक भारतीय संस्थान नेपाल विद्यार्थी संघक नया नेतृत्व चयन भेल। एक महीना में गुटबंदी शुरू भेल अछि। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आ वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल पक्ष बीचक गुटबंदी नेवी संघ में देखल गेल अछि। गुटबंदी के कारण कांग्रेसक वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षीय संघक पदाधिकारी संघक केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बजाउने दिन समानांतर बैसार रखने अछि। संघक नेतृत्व विधि विधान आ परंपरा विपरीत काज केने कहैत पौडेल पक्षीय संघक पदाधिकारी अलगे बैसार कक विरोध जनौने अछि। बैसार में उपाध्यक्ष सब प्रकाश राणा, खडग बहादुर डागी, उर्मिला थपलिया, नवीन राय, सागर परियार, कोषाध्यक्ष शिव रिमाल, शाह महामंत्री हरिहर शर्मा, ईश्वर बहादुर बिष्ट, साधना घिमिरे, दीपेंद्र राय आ ललिता सुनवार सहभागी छथि। बैसार बाद विज्ञप्ति जारी कऽ कऽ ओ सब कार्य समिति में रहल अपने सब संग सलाह नहि कऽ नेतृत्व 28 कार्यदल गठन केने, नियमावली तथा निर्देशिका तैयार नहि कऽ प्रादेशिक दिस के सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत केने जका आरोप लगौलक अछि। विवादक बावजूद उद्योग समिति औद्योगिक व्यवसाय संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण करब बनल विधेयक ऊपर के प्रतिवेदन पारित केलक अछि। समिति मंगल दिन दोसर बैसार क के उद्योग सब मजदूर सब के काज नहि करब वाला अवधि के तलब देब नहि पड़ल जका विधेयक ऊपर के प्रतिवेदन पारित केने अछि। समिति सुदृढ़ औद्योगिक संबंध के उत्पादकत्व वृद्धि के प्रबल आधार मांग काज नहि करब वाला अवधि के पारिश्रमिक देब पड़त तथा एहि संबंध में श्रम व प्रचलित कानून निर्दिष्ट केने बमोजिम होब वाला व्यवस्था सहित विधेयक ऊपर के प्रतिवेदन पारित केने अछि।
समिति से पारित प्रतिवेदन अनुसार उद्योग में कार्यरत कामदार तथा कर्मचारी उद्योग के संचालन तथा उत्पादन में बाधा अवरोध पहुँचाव जका बंद हड़ताल जका कार्यक्रम कर नेपाल समिति के भोर बैसल बैसार में हड़ताल के अवधि में मजदूर सबके तलब देव नै देव विषय में विवाद भेल छल। समिति अंतर्गत के उपसमिति अय विषय में सहमति जुटाव नै सकल बाद निर्णय करबाक अधिकार समिति के सौंपने छल। के 0.5% रकम मात्र छुट्टियाब प्रस्ताव कैल गेल छल। मोरंग के इछाड़ा साथ स्थित सरस्वती उच्च मावी से बीतल रात 1,30,000 रुपया चोरी फेल। विद्यालय के विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन शुल्क आ निजी शिक्षक तथा कर्मचारी के तलब बापत राखल गेल रकम चोरी भेल। विद्यालय के स्टील दराज तोड़ कर ओही भीतर राखल गेल रकम चोरी भेल। इठारा प्रहरी चौकी प्रहरी सहायक निरीक्षक सीताराम भंडारी जानकारी देलन। रकम चोरी भेल घटना संबंध में अनुसंधान कर के कार्य बढ़ल पुलिस जनौलक। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टीवी। नमस्कार।